हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में संगीता गुरुंग ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है और अभी मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो फिर मैं करती हूँ फिर अब ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ आलू का पराठा। और आलू को मैंने जो है बॉयल करके रख लिया हुआ, अब इसको मैं छील लेती हूँ। और आटा मैंने गूंद के रख लिया हुआ है। तो अभी करते हैं तैयारी। अभी पहले मैं आलू को छील लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब करती हूँ मैं पराठा बनाने की तैयारी। मसाला वगैरह मैंने ये पहले तैयार करके रख लिया हुआ। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर के बज गए हैं 12 और अब मैं बनाने जा रही हूँ लंच। तो अभी मैं लंच में बना रही हूँ साग। चिकन डाल के बनाऊंगी, चिकन मिक्स करके बनाऊंगी मैं साग। और दाल मिक्स दाल बनाऊंगी और दाल को मैंने भिगोने के लिए रखा है अभी। तो फिर अभी मैं थोड़ी देर में दाल बनाऊंगी। पहले मैंने अभी ये साग जो है मैंने इसको धो लिया है। अब एक बार फिर अच्छे से मैं धो लेती हूँ, फिर मैं इसको काट के बारीक काट के रखूंगी। तो फ्रेंड्स, ये साग को मैंने ना पहले काफी अच्छे से धो लिया है और अभी मैं इसको फिर एक बार अच्छे से धो लेती हूँ। ये साग तो फ्रेंड्स, इस साग को ना हम अपने नेपाली भाषा में बोलते हैं खुले साग। और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है ये वाला साग। ये साग पानी में होता है, जैसे छोटे छोटे तालाबों वगैरह में ये होता है साग में। इसको मैं एक बार अच्छे से धो लेती हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसको चिकन में मिक्स करके बनाऊंगी ये साग। तो फ्रेंड्स, इस साग को मैं काट लेती हूँ। इसको मैं ज्यादा बारीक नहीं काटूंगी, बस थोड़ा सा रख भी ही चॉप करूंगी इसको। तो फ्रेंड्स, ये मैंने रख दी है कढ़ाई। अब मैं इसमें डालूंगी सरसों का तेल। और ये रहा चिकन आधा किलो। और इसमें मैंने सिरका लगाकर इसको मिक्स करके रखा है सिरके के साथ। और ये जो साग है इसको मैंने भी काट दिया इसको। तो मैंने इसमें चिकन डाल दिया है अभी। और अभी इसमें मैं डालूंगी नमक। नमक डालूंगी
थोड़ा सा चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए, फिर इसके बाद मैं इसमें डालूंगी लहसुन और मसाला। मैं अभी थोड़ी देर में डालूंगी, पहले मैं इसको अच्छे से फ्राई करूंगी। तो फ्रेंड्स, अब ये चिकन है अच्छे से फ्राई हो गया इसमें, और मैं इसमें डालूंगी लहसुन और थोड़ा मसाला। तो फ्रेंड्स, अब इसमें मैं डालूंगी ये लाल मिर्च। ये जो है ना, ये मिर्च बहुत ही ज़्यादा तीखा होता है। मिर्च डाल दी है मैंने, और इसमें मैं डालूंगी लहसुन का पेस्ट। पहले चिकन को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, फिर उसके बाद ही मैं इसमें साग डालूंगी, क्योंकि साग जो है वो जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। और जो ये मैंने लाल मिर्च डाला, ये बहुत ही ज़्यादा तीखा होता है मिर्च। इसमें हल्दी और धनिया। ये डाल देंगे और थोड़ा सा हींग। फ्रेंड्स, चिकन जो है अच्छे से फ्राई हो गया, अब इसमें मैं डाल दूंगी ये साग। इसको धीरे धीरे ये मैं सभी डाल दूंगी साग। ये साग जो है ये भी बहुत जल्दी गल जाता है। ये अभी फिर पहले जो है चिकन को अच्छे सा चिकन को जो है पहले अच्छे से भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने अब साग को अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया, और इसको मैं थोड़ी देर ढक दूंगी, बस फिर ये बन जाएगा, क्योंकि साग जो है जल्दी ही तैयार हो जाता है। मुझे तो फ्रेंड्स, ये साग जो है वो अब बनकर तैयार है। ये देखिए इस तरह से, ये इसका पानी वगैरह भी अच्छे से सूख गया है। ये अब ये चिकन भी हो गया है तैयार, ये देखिए। फ्रेंड्स, मेरे लंच बनकर हो गया तैयार। ये दाल हो गई है तैयार, और मैंने इसमें रखा है चावल। और अब मैं बना रही हूँ चटनी। टमाटर और इसमें मैं खूब सारा धनिया डालूंगी। अब मैं इसकी बनाऊंगी चटनी। तो फ्रेंड्स, ये चटनी हो गई है तैयार। इसमें मैंने खूब सारा धनिया डाला है, धनिया और हरी मिर्च और टमाटर डाल कर दिया। चटनी हो गई है तैयार।
फ्रेंड्स अब मेरा लंच वगैरह हो गया है सब तैयार, तो अब बस थोड़ी देर में लंच करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी शाम के बज गए हैं 5 और अभी मैं बना रही हूँ चाय। तो फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा जरूर। तो फिर अब आपसे मैं कल मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।